ट्रेंडल फंड पे यूट्यूब चैनल। आज के हम अपनी इस वीडियो में बताएंगे कि भाई आप अपने मोबाइल में स्क्रीन रिकॉर्डर कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे कि मैं अभी स्क्रीन रिकॉर्डर से वीडियो बना रहा हूँ और आप कैसे बना सकते हैं, तो वो मैं आज अपनी इस वीडियो में बताऊँगा। मगर वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर करके बताएंगे हमारी वीडियो कैसी लगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने मोबाइल का प्ले स्टोर सिंपली ओपन करना है। जैसे ही आप अपने मोबाइल का प्ले स्टोर ओपन करेंगे, सर्च बार पर टाइप करना है विडमा स्क्रीन रिकॉर्डर। विडमा स्क्रीन रिकॉर्डर जैसे आप टाइप करेंगे तो सेकंड नंबर पे जो है इसको आपने क्या करना है, सिंपली इंस्टॉल कर लेना है। मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, 15 MB की ये गेम है, ठीक है, और काफ़ी अच्छी रेटिंग्स है, डाउनलोडिंग भी इसकी काफ़ी अच्छी है। तो मैं इसको पहले से इंस्टॉल किया हुआ है तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ मोबाइल से। तो जैसे आप इसे ओपन करेंगे तो कुछ ऐड वगैरह भी आ जाते हैं। तो फिर दोस्तों जैसे आप इसे ओपन करेंगे तो आपके सामने अलाउ वो कुछ इंफॉर्मेशन मांगेगा, परमिशन मांगेगा आपसे, अलाउ डैनी अलाउ, आपको इनके सिंपली इसको अलाउ करते जाना है। तो फिर आपके सामने फिर कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। फिर आपके सामने ये देखें बहुत सारी ऑप्शन आ जाती हैं। तो मैं बताता हूँ इन ऑप्शन का तरीका क्या है। इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी, ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो भाई ये जो अगर ये जो डिब्बा बना हुआ है इस पर आप मिसाल के तौर पे वीडियो बना रहे हैं, इस डिब्बे पे क्लिक कर देंगे तो जो आपकी वीडियो होगी ना सिंपली वो सेव हो जाएगी। और फिर ये आप ये जो दो लाइनें नज़र आ रही है इसे आप अपनी वीडियो रोक भी सकते हैं, और ये जो कैमरा नज़र आ रहा है इसे आप स्क्रीन शॉट खींच सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं एक स्क्रीन शॉट खींचता हूँ इसका, तो ये देखिए सिंपली इसने स्क्रीन शॉट खींच दिया है। तो मैं ये फ़ोटोज़ पे क्लिक करता हूँ जो मैंने स्क्रीन शॉट खींचा है, ये देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली वहाँ आ चुका है। फिर हमारे पास दूसरा ऑप्शन आ जाता है ये वाला। जैसे दोस्तों मैं मार्क कर रहा हूँ अभी, ये पेन है, ये देखिए मेरे पास यहाँ पेन शो हो रहा है। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ और जैसे मैं आपको मार्क करके दिखा रहा हूँ ये ऐसे दिखाती है। और फिर हमारे पास थर्ड नंबर पर ऑप्शन आ जाता है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो आपका कैमरा ही सिंपली ओपन कर देगा। इससे आप खींच के छोटा बड़ा कर सकते हैं और इस निशान को दबाएंगे तो आपका कैमरा बैक भी हो सकता है। तो मैं इसको सिंपली काटा मार देता हूँ तो पीछे कर देता हूँ। और ये जो है वॉइस, इसके अपनी रिकॉर्डिंग करके मॉडिफाई यानी कि कर सकते हैं। फिर हमारे पास एक सबसे इम्पोर्टेंट आ जाती है चीज़, ये इसकी ये जो निशान नज़र आ रहा है इस मेन्यू पर हमने इस क्लिक करना है। इसके पास आपकी पूरी सेटिंग ओपन हो जाएगी, आपको क्या करना है स्क्रूल डाउन करना है। स्क्रूल डाउन करेंगे तो ये देखिए मैंने इस ऑप्शन पे क्लिक किया हुआ है, कीप रिकॉर्डिंग व्हेन स्क्रीन ऑफ। इसका ये मतलब है कि भाई अगर आप रिकॉर्डिंग करें और आपने रोक के रिकॉर्डिंग को स्किप कर दिया और आपने मोबाइल बंद कर दिया है तो उसके दरमियान यानी कि वो स्किप ही रहेगी। अगर आप इसको मिसाल के तौर पे ऑफ़ करते हैं, मोबाइल अपना ऑफ़ कर देते हैं तो वो रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगी। इसको ऑन करेंगे तो फिर भाई वो वहीं पे रुकेगी। तो ये आगे फिर हमारे हाई फ्लोटिंग आइकन वाइल रिकॉर्डिंग, तो भाई ये आपको ये आइकन नज़र आ रहा है रिकॉर्डिंग का, इसे इसको ऑन करेंगे तो फिर आपका ये जो आइकन होगा ये सिंपली गायब हो जाएगा। तो इसकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं। स्टॉप रिकॉर्डिंग बाई शेकिंग फ़ोन, मिसाल के तौर पर कि अगर आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो वो मोबाइल की जो होती है जिसका वगैरह जो भी होता है तो वो सिंपली उसको स्टॉप कर देता है रिकॉर्डिंग को किसी परमिशन की वजह से। तो हमारे पास और भी बहुत से नीचे ऑप्शन आ रहे हैं, शो टच टर्न ऑन, या आपको सेटिंग से सब पता लग सकता है। और ये देखिए फेस कैम जो मैंने बताया था आपको, इससे ओपन हो चुका है। तो हमारे पास ये एक्सटर्नल ऑडियो, अगर इसको आप ऑफ़ भी नहीं कर सकते क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्डर की सबसे बेहतरीन सेटिंग, अगर आप इसे ऑफ कोई कर भी नहीं सकता, इसको जितनी बार टच करें इसका ऑफ हो नहीं सकता क्योंकि इसके बगैर इसकी वीडियो नहीं, स्क्रीन रिकॉर्डर अधूरा है। तो दोस्तों हम पीछे आते हैं तो दोस्तों ये हमारी जो वीडियो सेव करेंगे हम स्क्रीन रिकॉर्डर बना के स्क्रीन रिकॉर्डर से, तो फिर ये हमारी सेव हो जाएगी। तो दोस्तों अगर आप वीडियो एडिट करना चाहते हैं तो ये पेंसिल वाला मार्क है, इस पर सिंपली आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। दोस्तों ये देखिए, अगर आप कट करना चाहते हैं ट्रिम पे क्लिक करें, क्रॉप पे क्लिक करें,
रोटेट स्पीड हाई जितनी भी करना चाहते हैं, म्यूज़िक भी लगा सकते हैं इसके ऊपर आप, और स्टिक टेक्स्ट भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं, स्टिकर्स भी आ जाते हैं, रेडियो भी आ जाता है, बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। इससे आप अपनी वीडियो एडिट करके फिर ये ऊपर सेफ का ऑप्शन नज़र आया, इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी वीडियो सिंपली सेफ हो जाएगी। फिर हम पीछे जाते हैं तो ये देखें दोस्तों, ये मेरी वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ये बन रही है नीचे। तो जैसे मैं इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा ये वाले, तो मेरी वीडियो ऑटोमेटिकली सेफ हो जाएगी। और अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, स्किप हो जाएगी। जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ तो वही ऑप्शन स्क्रीनशॉट खींचने के लिए, मैंने आपको बताया कि कैमरे वाले पे क्लिक करना है और फ़ोटो पे जाके देखना स्क्रीनशॉट, यानी कि जो आपने खींची होगी वो आ जाएगी। तो दोस्तों फिर हम पीछे आते हैं, अगर आप वीडियो यानी कि यूट्यूब पे अपलोड करना चाहते हैं, थ्री डॉट पे क्लिक करें, शेयर पे क्लिक करें, शेयर पे क्लिक करने के बाद फिर यूट्यूब पे आप अपलोड कर सकते हैं, कहीं भी अपलोड कर सकते हैं। फिर दोस्तों जब आप मिसाल के तौर पे जब आप वीडियो रिकॉर्डर करते हैं, ये ग्रीन रंग का आ रहा है तो ये काफ़ी प्रॉब्लम करता है, तो ये क्रॉस के निशान पर आप क्लिक करें, एक नोटिस फॉर्म, फिर उस पर ओके पे क्लिक कर दें, फिर आपका ये गायब हो गया। तो दोस्तों ये आज की हमारी वीडियो थी, अगर पसंद आई हो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करके बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी।